ज वेलकम बैक टू माई youtube चैनल डी टी एच आज के बारे में दोस्तों, बिल्कुल सुन रहे, से पहले मैं एक और वीडियो लेके आई थी जिसमें मैंने बता रखा है इमोजेस के बारे में लाइक स्माइल इमोजेस और ऑल्सो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो हार्ट होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आप आई बटन में चेक कर सकते हो बट गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाली कि जो हम हैंड करते हैं, में उसका मतलब क्या है? जो कि आप अपने जी, हां दोस्तों, किया है कि जिस, जब हम किसी को कहते हैं येस yes, मतलब ठीक है तो उसके लिए आप थम्सअप इमोजी यूज कर सकते हो बाकी आप इमोजी स्क्रीन पर देख सकते हो यह है इमोजी थम्सअप और इसका नाम ही थम्सअप इमोजी है सो so, जनरली लोग इसको येस yes कहने पर इस इमोजी को यूज़ करते हैं अदरवाइज लाइक करने के लिए लाइक फेसबुक पर थाम्स अप इमोजी को ही यूज़ किया जाता है जब हम कोई चीज पसंद करते हैं तो होप्स तो हो तो गाइज तो तो आपको इसका मतलब क्लियर हो गया हो नंबर टू इज थम्स डाउन इमोजी जी हाँ दोस्तों ये वो इमोजी है जो जनरली लोग यूज नहीं करते हैं बट सरकास्टली वे अगर मैं कहूँ तो ये इसलिए यूज किया जाता है जब हम कोई चीज डिसलाइक करते हैं तो फॉर डिसलाइक वी यूज थम्स डाउन इमोजी नंबर थर्ड इज ओके इमोजी जी हाँ दोस्तों ये है हमारी ओके इमोजी जिसको हम किसी को ओके okay कहने के लिए यूज़ करते हैं मतलब जनरली वी आर यूजिंग फॉर सेइंग यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इट डजन मीन दैट इट इज़ नॉट यूज फॉर ब्यूटीफुल इट इज़ यूज फॉर सेंग ओके येस इसके लिए आप ये मोजी यूज़ करते हैं नंबर फोर इज प्रेइंग हैंड इमोजी जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो प्रेइंग हैंड इमोजी का मतलब आप समझ चुके हो जनरली आप पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हो नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा इसलिए इस इमोजी का मतलब ये है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उस टाइम पे इस इमोजी को यूज़ करते हो ऑल्सो आप किसी से परेशान आ चुके हो कि यार बस कर दे बस मैं थक गई तो उस टाइम पे आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हो दिस इज नोन एज स्प्रिंग हैंड इमोजी ऑल्सो गाइज मैं ऐसे कह सकती हूँ कि दो लोग इसे हाई फाइव के लिए भी यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब दो लोग हाई फाइव करेंगे तो वो हाथ ऐसे ही ज्वाइंट होता है तो एज अ हाई फाइव भी आप इसे यूज कर सकते हो बट जो मेन जनरल मीनिंग होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है फिफ्थ वन इज पीस साइन इमोजी जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल नॉर्मल लाइक बहुत ही ज्यादा रैंडमली यूज किया गया इमोजी है दिस वन जो आप जनरली फोटो क्लिक करते वक्त भी यूज करते हो बट इसका मतलब सिर्फ पीस ही नहीं इसको आप लाइक ऐसे प्रीनोट कर सकते हो लाइक आर टेलिंग एवरीथिंग इज स्टिल और जस्ट चिल के लिए आप इस इमोजी को यूज कर सकते नंबर सिक्स इज फ्लेक्स्ड बाई इमोजी का जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो ये है फ्लेक्स्ड बाइसेप इमोजी इसको जनरली आप अपने अपना स्ट्रेंथ पावर और सक्सेस दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो और लाइक like अगर आप जिम वगैरह में हो या जिम ज्वाइन कर रहे हो तो उसको डिनोट करने के लिए आजकल आप इस इमोजी को यूज़ कर सकते हो विच इज़ नोन एज फ्लेक्स्ड बाइसेप इमोजी सेवेंथ वन इज़ क्लैपिंग हैंड इमोजी जी हाँ दोस्तों आप इसको जनरली लोग इसे कहते हैं अपलॉस इमोजी बट गाइज इसका मतलब ये होता है कि नॉट फॉर किसी को अच्छा या कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए आप इस इमोजी को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि आप किसी को ये दिखाने के लिए क्लॉक करते लेकिन इससे करते हैं ना कि जानबूझ के ऐसे वाला क्लैप कपिल शर्मा शो देखा होगा आपने लाइक like, जो ग्लोव क्लैप ये उस टाइप का क्लैप होता है मतलब इसे वो कहते हैं हाँ ठीक है सो आई होप सो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये उस टाइप का क्लैप है इट इज़ नॉट फॉर लाइक तारीफ करने के लिए बेटा वेरी गुड आपने बहुत अच्छा किया ये ऐसा वाला क्लैप नहीं है तो होप सो so, आपको क्लियर हो गया होगा इसका इमोजी नंबर एट पॉइंटिंग अप इमोजी गाइस जनरल जो इमोजी रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि नंबर वन और टेलिंग अबाउट अ क्वेश्चन कि मेरे पास एक क्वेश्चन है बट गाइज आज के जो लोग इसे यूज करते हैं वो ऐसे यूज करते हैं कि जब उन्हें कुछ इंडिकेट करना होता है या वो दिखा रहे होते हैं कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ लाइक आई एम गोइंग टू द सक्सेस या कुछ ऐसे टाइप का घिचपिच पर कर देते हैं आजकल लोग सो so, उस टाइप की चीजों के लिए लाइक लोग इसे अब यूज करने लगे हैं बट इसका जो रियल मतलब होता है वो जो मैंने आपको बताया पहले में वो इसका मतलब होता है इमोजी नंबर नाइन फीसड बम्प इमोजी मीन्स दिस वन दिस वन इमोजी आप लाइक like, ये वाला इमोजी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक दिस इज अ पंच बट इट इज़ नॉट अ पंच सीरियसली इसका मतलब पंच नहीं होता है मतलब ये कि जैसे आप किसी को हाई फाई देते हो ना सो वैसे ही आप इसको किसी को दे सकते हो सो so इसका मतलब वो होता है सो so कभी भी आप ये बात समझना कि दिस इज अ पंच पंच वाली इमोजी नहीं होती ना ऑन द लास्ट वन इज टेन रेज हैंड इमोजी विच इज लाइक दिस सो गाइज का मतलब जनरली इसका मतलब ये होता है कि प्लीज स्टॉप डोंट डू दिस इसका मतलब ये नहीं होता कि हैंड रेज इट डजेंट मीन हैंड रेज इट मीन्स प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस प्लीज़ तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना ना मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब या फिर हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें